नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो योर स्टेट सीरीज, जिसमें आज हम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट अरुणाचल प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की लगभग 7 राज्यों को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम इत्यादि आते हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 1972 से पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 1972 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया तथा 1987 में इसे एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जनसंख्या के अनुसार यह भारत का 27वां तथा क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का 14वां बड़ा राज्य है। इसे ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री साउथ में असम तथा नागालैंड, वेस्ट में भूटान, ईस्ट में म्यांमार तथा नॉर्थ में चाइना के ऑटोनोमस रीजन तिब्बत के साथ 1,129 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाता है, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल यहाँ की ईटानगर है, जो कि सबसे बड़ा जिला है अरुणाचल प्रदेश का। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पेमा खांडू है, गवर्नर बी डी मिश्रा है, चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाईकोर्ट के सुधांशु दुलिया है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का एकमात्र हाईकोर्ट असम में स्थित है, जिसे गुवाहाटी हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। 25 जिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश, लोकसभा की यहाँ पे 2 तथा राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीटें हैं। लेजिस्लेचर अरुणाचल प्रदेश का यूनिकैमरल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पर। लिटरेसी रेट 66.25% है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यहाँ का स्थान 18वां है। बारदो छाम, जो कि एक फोक डांस है, जो कि सैदू पैन, जो कि एक स्मॉल कम्युनिटी है कैमेंग डिस्ट्रिक्ट में, उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। डेस्कॉन फेस्टिवल, जो कि एक ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर है गैरो ट्राइब का, नवंबर के महीने में इसे बसर नामक स्थान पर 3 दिन के लिए मनाया जाता है। सीन डोनी, जो कि एक टैंगी ट्राइब द्वारा बनाया जाने वाला 4 से 6 जनवरी के मध्य बनाया जाने वाला फेस्टिवल है। लोसार फेस्टिवल, लोसार एक तिब्बतन शब्द है, जिसमें लो का अर्थ है ईयर तथा सार का अर्थ है न्यू। मोनपा ट्राइब के द्वारा ट्वांग डिस्ट्रिक्ट में इसे न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। लोहित नदी, जो कि तिब्बत के कांगरी नामक स्थान से निकलती है और तिब्बत में इसे जायू रिवर के नाम से जाना जाता है। लोहित नदी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा नदी की। ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि मानसरोवर नामक झील जो कि तिब्बत में स्थित है, वहां से इसका उद्गम स्थल है तथा तिब्बत में इसे टसांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे सिहांग दिहांग के नाम से तथा असम में इसे लुइत डिलाओ के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में बना पानी गिराती है। बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है तथा भारत में यह है नामचा पर्वत नामक पर्वत से प्रवेश करती है। कैमेंग रिवर, जिसका उद्गम स्थल त्वांग डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियल लेक से होता है। सुबनसिरी रिवर, जो कि तिब्बत से इसका ओरिजिन है और 442 किलोमीटर लंबी है नदी और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। सेंगस्टर टसो लेक, जिसे माधुरी लेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला फिल्म के एक गीत की शूटिंग हुई थी। सेंगस्टर लेक लोकेटेड है त्वांग और बुमला पास के मध्य और यह समुद्र तल से लगभग 15,200 फुट ऊंचाई पर स्थित है। दिबांग डैम, जो कि एक प्लान डैम है, अभी बना नहीं है, अगर यह बनता है तो भारत का सबसे बड़ा था वर्ल्ड का टोलेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम होगा, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 3,000 मेगावाट होगी। अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। माउलिंग नेशनल पार्क, जिसे 30 दिसंबर 1986 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर रेड पांडा, बंगाल टाइगर इत्यादि पाए जाते हैं। नामदफा नेशनल पार्क, जिसे 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे रेड गेंट, फ्लाइंग स्क्वायरल, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड इत्यादि पाए जाते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व है जिसे वर्ल्ड
टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 1992 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। एयरपोर्ट यहाँ पर डेपरिजो एयरपोर्ट, जीरो एयरपोर्ट, तेजू एयरपोर्ट, पासीघाट एयरपोर्ट इत्यादि पाए जाते हैं। दिहांग गार्ज जो कि हिमालय को बैंड करता है साउथ की तरफ, सेला पास जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है संपूर्ण भारत के साथ, जीरो वैली जो कि घर है अपतानी ट्राइब का, यहाँ के कीवीज को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है मोविड नॉर्थ ईस्ट रीजन की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, तवांग मोनेस्ट्री जो कि एक बुद्धिस्ट साइट है और भारत की सबसे बड़ी तथा वर्ल्ड की दूसरी है पोटालो पैलेस के बाद, गोल्डन पैगोडा नैमसाई जो कि कोंगू खाम के नाम से जाना जाता है, एक बुद्धिस्ट टेंपल है जिसे 2010 में ओपन किया गया था, यहाँ पर एक कथीना नामक त्योहार मनाया जाता है। बम्बला पास जो कि बॉर्डर है तिब्बत की कोना काउंटी नामक स्थान तथा इंडिया के त्वांग डिस्ट्रिक्ट के बीच में, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, 2006 में इसे रीओपन किया गया ट्रेड के लिए 44 सालों बाद। अरुणाचल प्रदेश में डाफला मेरी अबोर मिशी नामक पर्वत पाए जाते हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है वेस्ट टू ईस्ट, सबसे वेस्ट में डाफला, डाफला के ईस्ट में मिरी तथा मिरी के ईस्ट में अबोर, अबोर के ईस्ट में मिशमी पाई जाती है। किरण रिजिजू जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं भारत के, इन्हें वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। अंशु जैमसेंपा जो कि एक इंडियन माउंटेनर हैं और पहली वुमेन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार एक ही सीजन में फतेह किया, इसके अलावा सबसे तीव्र गति से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली 5 दिन इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, और पद्मश्री ने 2021 में दिया गया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू।